मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही शानदार 10 मरले का बंगला जो कि फॉर सेल आपके लिए लेकर आया हूं, और ये घर इंशाल्लाह आज मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ए ब्लॉक में, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी आबाद एरिया है। यहाँ पर 10 मरला और एक कनाल के बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं। बाहर तकरीबन 25-30 फीट खुली गलियाँ हैं। ये है जी 10 मरले का शानदार बना हुआ घर, जिसका सबसे पहले मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, और ये बाहर जो है घर के बाहर छोटी सी क्यारी है जिसमें ये फूल पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम इस घर में इंटर होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये है कारपोच जिसमें दो छोटी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, और अगर एक बड़ी गाड़ी, यानी अगर बड़ी गाड़ी खड़ी करें तो एक गाड़ी खड़ी हो सकती है, जिसमें शानदार सीलिंग हुई हुई है। और बाहर ये माशाल्लाह से डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो अभी हम घर में इंटर होते हैं जी, ये हैं ऊपर वाले पोर्शन की स्टेयर्स। यहाँ से इस पोर्शन को इलादा भी किया जा सकता है, अगर ये वाला डोर लॉक किया जाए तो यहाँ से इसका, इस पोर्शन का मेन इंट्रेंस है, बट यहाँ ये वाला इंट्रेंस भी यूज़ किया जा सकता है। तो घर में इंटर होते ही सबसे पहले ये है जी टीवी लाउंज, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत सीलिंग हुई हुई है, सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। ये 10 मरले का फुल फर्निश्ड हाउस है, जिस अभी हम टीवी लाउंज में मौजूद हैं। तो टीवी लाउंज के बाद सबसे पहले आपको मैं ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। ये है जी इसका ड्राइंग रूम, जो कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है, और इसके साथ वेंटिलेशन के लिए दो विंडोज़ हैं। फर्स्ट ये विंडो है, और इसके साथ गैलरी में भी वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी हुई है। इसके साथ ड्राइंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम है, एसी लगा हुआ है, सोफ़े लगे हुए हैं, डाइनिंग यहाँ पर लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं जी इसमें नीचे के पोर्शन की सेटिंग में आपको बताऊँ तो इसमें एक ड्राइंग रूम है, दो बेडरूम है। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। ये आप देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है इसके साथ। फर्स्ट बेडरूम के साथ ये अटैच वॉशरूम है। और ये फर्स्ट बेडरूम के साथ भी वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी हुई है। यहाँ पर कपड़ों वगैरह के लिए अलमारियाँ भी बनी हुई हैं, कपड़ों के लिए अलमारी बनाई गई है। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये है इसका दूसरा बेडरूम। दूसरे बेडरूम के साथ भी ये अटैच वॉशरूम है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ए ब्लॉक में ये 10 मरले का घर है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ये है जी स्टोर रूम। स्टोर रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन की तरफ। ये चेक करें जी किचन, अभी मैं आपको फ्रिज दिखाता हूँ। ये चेक करें जी फ्रिज, तो 3570 इस प्लॉट की डायमेंशन है, जिसपे ये 10 मरले का घर है, जिसमें एक ड्राइंग रूम है, दो बेडरूम है, और इसके साथ किचन है। और सेम अब हम ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं। ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसे ही बना हुआ है,